असद अब 8 साल का हो गया है, उसकी एनर्जी का तो पूछिए ही मत। बराबर वाली साइमा का बेटा भी उसी की उम्र का है। दोनों अपनी एनर्जी बाहर खेलते हुए खर्च करते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती जब वो बाहर खेलता है। अगर कभी चोट लग जाए तो मुझसे पहले मोहल्ले वाले पहुंच जाते हैं। इस अपनेपन का एहसास यहाँ से पहले कभी नहीं हुआ। असद अब 8 साल का हो गया है, उसकी
असद अब 8 साल का हो गया है, उसकी एनर्जी का तो पूछिए ही मत। बराबर वाली साइमा का बेटा भी उसी की उम्र का है। अम्मा अब परेशान नहीं होती, यहाँ बहुत मजा आता है और रोज शाम को क्रिकेट भी होती है। कल तो दादा अबू ने भी साथ खेला था और कैच आउट भी किया था। हम सब देर तक साइकिल चलाते हैं और जब अम्मी डांटती हैं तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। अम्मा अब परेशान नहीं होती, यहाँ बहुत मजा आता।
असद अब 8 साल का हो गया है, उसकी एनर्जी का तो पूछिए ही मत। बराबर वाली साइमा का बेटा भी उसी की उम्र का है। दोनों अपनी एनर्जी बाहर खेलते हुए खर्च करते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती जब वो बाहर खेलता है। अगर कभी चोट लग जाए तो मुझसे पहले मोहल्ले वाले पहुंच जाते हैं। इस अपनेपन का एहसास यहाँ से पहले कभी नहीं हुआ। अम्मा अब परेशान नहीं होती, यहाँ बहुत मजा आता है और रोज शाम को क्रिकेट भी होती है। कल तो
असद अब 8 साल का हो गया है, उसकी एनर्जी का तो पूछिए ही मत। बराबर वाली साइमा का बेटा भी उसी की उम्र का है। दोनों अपनी एनर्जी बाहर खेलते हुए खर्च करते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती जब वो बाहर खेलता है। अगर कभी चोट लग जाए तो मुझसे पहले मोहल्ले वाले पहुंच जाते। अम्मा अब परेशान नहीं होती, यहाँ बहुत मजा आता है और रोज शाम को क्रिकेट भी होती है। अम्मा अब परेशान नहीं होती, यहाँ बहुत मजा आता है और रोज शाम को क्रिकेट भी होती है। कल तो दादा अब्बू ने भी साथ खेला था और कैच आउट भी किया था। हम सब देर तक साइकिलें चलाते हैं और जब अम्मी डांटती हैं तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं।
देखें, सबसे पहली चीज तो सिक्योरिटी होती है। फैमिली सेफ हो तो आप बगैर किसी टेंशन के काम कर ले। मेरा ऑफिस दूर है लेकिन अब मुझे उसकी भी वो फिक्र नहीं होती। वीकेंड पे दोस्तों के साथ जाने के लिए जगह ढूंढा करते थे, अब सब यहीं आ जाते हैं। गपशप के साथ पिकनिक भी हो जाती है। यहाँ का माहौल देखकर मेरे कुछ दोस्त यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मेरा फैसला बिल्कुल सही रहा। देखें, सबसे पहली चीज तो सिक्योरिटी होती है। फैमिली सेफ हो तो आप बगैर किसी टेंशन के काम कर ले। मेरा ऑफिस दूर है लेकिन अब मुझे उसकी भी वो फिक्र नहीं होती। वीकेंड पे दोस्तों के साथ जाने के लिए जगह ढूंढा करते थे, अब सब यहीं आ जाते हैं। गपशप के साथ पिकनिक भी हो जाती है। यहाँ का माहौल देखकर मेरे कुछ दोस्त यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मेरा फैसला बिल्कुल सही रहा। देखें, सबसे पहली चीज तो सिक्योरिटी होती है। फैमिली सेफ हो तो आप बगैर किसी टेंशन के काम कर ले। मेरा ऑफिस दूर है लेकिन अब मुझे उसकी भी वो फिक्र नहीं होती। वीकेंड पे दोस्तों के साथ जाने के लिए जगह ढूंढा करते थे, अब सब यहीं आ जाते हैं। गपशप के साथ पिकनिक भी हो जाती है। यहाँ का माहौल देखकर मेरे कुछ दोस्त यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मेरा फैसला बिल्कुल सही रहा। देखें, सबसे पहली चीज तो सिक्योरिटी होती है। फैमिली सेफ हो तो आप बगैर किसी टेंशन के काम कर ले। मेरा ऑफिस दूर है लेकिन अब मुझे उसकी भी वो फिक्र नहीं होती। वीकेंड पे दोस्तों के साथ जाने के लिए जगह ढूंढा करते थे, अब सब यहीं आ जाते हैं। गपशप के साथ पिकनिक भी हो जाती है। यहाँ का माहौल देखकर मेरे कुछ दोस्त यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मेरा फैसला बिल्कुल सही रहा। देखें, सबसे पहली चीज तो सिक्योरिटी होती है। फैमिली सेफ हो तो आप बगैर किसी टेंशन। असद अब 8 साल का हो गया है, उसकी एनर्जी का तो पूछिए ही मत। बराबर वाली साइमा का बेटा भी उसी की उम्र का है। दोनों अपनी एनर्जी बाहर खेलते हुए खर्च करते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती जब वो बाहर खेलता है। अगर कभी चोट लग जाए तो मुझसे पहले मोहल्ले वाले पहुंच जाते हैं। इस अपनेपन का एहसास यहाँ से पहले कभी नहीं हुआ। Set up. एक ख्वाब आंखों में बसाए, बस धुन थी अपना नाम बनाने की। मेहनत से नहीं डरा, ईमानदारी, सच, वादे का पास रखा हमेशा। क्योंकि नाम ऐसे ही होता है। आज मेरा एक नाम और अब इस नाम के साथ जुड़ेगा बस वही नाम जो बढ़ाएगा।
अम्मा अब परेशान नहीं होती। यहाँ बहुत मजा आता है और रोज शाम को क्रिकेट भी होती है। कल तो दादा अबू ने भी साथ खेला था और कैच आउट भी किया था। हम सब देर तक साइकिल चलाते हैं और जब अम्मी डांटती हैं तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। अम्मा अब परेशान नहीं होती। यहाँ बहुत मजा आता है और रोज शाम को क्रिकेट भी होती है। कल तो दादा अबू ने भी साथ खेला था और कैच आउट भी किया था। हम सब देर तक साइकिल चलाते हैं और जब अम्मी डांटती हैं तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। असद अब 8 साल का हो गया है, उसकी एनर्जी का तो पूछिए ही मत।
बराबर वाली साइमा का बेटा भी उसी की उम्र का है। दोनों अपनी एनर्जी बाहर खेलते हुए खर्च करते हैं। लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती जब वो बाहर खेलता है। अगर कभी चोट लग जाए तो मुझसे पहले मोहल्ला। एक ख्वाब आंखों में बसाए, बस धुन थी अपना नाम लिखी। मेहनत से नहीं डरा, ईमानदारी, सच, वादे का पास रखा हमेशा। क्योंकि नाम ऐसे ही होता है। आज मेरा एक नाम और अब इस नाम के साथ जुड़ेगा बस वही नाम जो बढ़ाएगा मेरे नाम की शान। नया नाज़माबाद, शहर के बीचों बीच वो शहर जहां हम रख रहे हैं आपके नाम का मान। वादा निभा के घर और प्लॉट्स हैं तैयार। जामा मस्जिद, स्कूल, क्लब हाउस और सिनेमा का तामीराती काम जारी है।